अस्सलाम व्यूअर्स, तो जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो क्यों ना हम मौसमी सौगात बनाएं। तो आज हम बना रहे हैं गजरेला, जो कि बहुत से घरों में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बर्तन में डालेंगे घी। तकरीबन 1 से 2 चम्मच घी में आप इलायची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने 1 ही ली है। और इस तरह से हम जैसे ही घी और इलायची हो जाएगा, हम इसमें गाजरें डाल देंगे। और ये गाजर तकरीबन मैंने 1 किलो आप क्रश यूज़ करने हैं, ठीक है। 1 किलो हमने ली है क्रश करके, जितना नेट वेट आपने यूज़ करना है वो 1 kg होगा क्रश हुआ हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से गाजर जो है वो हल्का हल्का, जैसे इनका थोड़ा सा पानी से सूख जाएगा। और फिर हम इसमें चावल भी ऐड करेंगे। ये हमने आधे प्याले चावल ले लिए थे, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इन्हें भिगो लिए थे। और अब हम इनको हल्का हाथों से मसल के गाजरों में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे और अच्छे से चम्मच चलाएंगे। पहले अच्छे से गाजरों को चावलों के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है फिलहाल, और हम इसको ऐड करेंगे। सांस इसकी नुक हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। जैसे थोड़ा सा बॉयल होगा तो मैं आंच जो है वो अच्छा कर दूंगी, ताकि ये मीडियम हीट पर आराम से पके। मैंने इसको बॉयल में लाने के बाद थोड़ा आंच जो है वो अच्छा कर दी थी, और अब ये हो रहा है। देखें, ये देखें, हम अभी होने देंगे थोड़ा देर इसी आंच पर। देखें किस तरह से इसके टेक्सचर हो चुका है। अब हम इसमें 1 लीटर जो है मिल्क पैक ऐड करेंगे, और फिर थोड़ी देर इसको मज़ीद हम पकाएंगे। देखें इसमें हमने अब 1 लीटर मिल्क पैक ऐड कर देना है, ठीक है। इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर होगा, इसलिए मैं ये वाला दूध भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। तो डालने के बाद हमने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लिया, ताकि ये अच्छे से फिर से पकने लग जाए। अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा पकाएंगे। इस तरह से इसका लुक जो है वो हो चुकी है। ये देखें जैसे ही दूध डालने के बाद बॉयल आ गया है। अब हम इसको आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर देंगे, ताकि ये आराम से थोड़ी देर पक जाए। तो मैंने आहिस्ता आंच कर दी है, बहुत आहिस्ता नहीं की, इतनी की है कि हीट उसको लगती रहे। दम से तेज़ रखनी है आपने, ठीक है। और इसको अच्छे से आप हिला लें, चम्मच आप आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें। ये देखें किस तरह से क्रीमी से लुक जो है वो फिर से तय हो गई है। जैसे हमने दूध दोबारा भी ऐड किया तो भी, तो इसको थोड़ा सा हमें और पकाना है, यकचा करना है। जैसे ही यकचा होगा तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तब तक इसको इसी तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से लगने लग जाएगा। इस तरह से कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। साइड से भी हम साथ साथ उतारते रहेंगे। थोड़ा सा हम इसको और गाढ़ा करेंगे, फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। चीनी जो है ना वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। कि इसमें हमने 2.5 लीटर दूध लिया है, 1 किलो गाजरें ली है, और साथ में हमने आधी प्याली चावल लिए हैं। उस हिसाब से आप शुगर मैया कर लें, जो आपको पसंद हो। आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करना है। इस तरह से बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अब हम स्टोव को फुल कर देंगे, ताकि इसको अब हम तेज़ आंच पे, क्योंकि जो गाजरें और चावल हैं वो आपस में मिक्स हो चुके हैं और टेक्सचर भी बहुत क्रीमी हो गया है, जैसे आपको दिख भी रहा है। जैसे दिखा देते हैं, इस तरह से हो चुका है। इसको साइड से भी हम साथ बांटते रहेंगे, और हाथ वगैरह काइंडली इसमें बचा कर तेज़ आँच पे इसको करें, क्योंकि जो छींक होती है वो आपके हाथ पर गिर सकती है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप चीनी का ऐड कर रही हूँ।
नहीं, मैंने पहले इतनी ऐड की है, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और ऐड करूँगी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप चीनी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो कम चाहिए। मैंने इसमें पौना कप जो है तकरीबन चीनी ऐड की है, और अब हम इसको इसके अंदर कुछ दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो खोया भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं 60 ग्राम खुश्क दूध जो है वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुहासा हो रहा है, इसको यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसमें उसको दूध ऐड कर दिया है, जिसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, देखें कितना अच्छे से मजे का हो गया हुआ है कचौड़ी का। कचौड़ी तैयार हो चुका है, अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। थोड़े से बादाम मैं इसके अंदर भी ऐड कर रही हूँ, और बाकी हम गार्निश में यूज़ करेंगे। हमने बादाम ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको स्टोव को बंद करेंगे और डिश ऑफ करेंगे। इस तरह से मैंने गजरेले को जो है डाल लिया है, अब हम इसको गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से। ठीक है, अब हल्का हल्का बादाम को भी स्प्रिंकल कर लेंगे। ये लीजिए, इस तरह से हमने कचेला बनाकर उसको डेकोरेट भी कर लिया है। आपको अच्छा लगा हो जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, और मेरा पेज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। फिर मुलाकात होगी एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।